आज मैं आपके लिए लाई हूँ मुंबई का मशहूर स्ट्रीट फूड हॉट सेव मिसल पाव। ये मुंबई का एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है और आप इसकी रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिसल सेव भाजी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए पीली सूखी मटर। इसको हमें कम से कम 6-7 घंटे भिगोना है, जो कि हमने इसे रात को भिगो दिया था। अब इस मटर को साफ पानी से धोकर हम कुकर में बॉईल करने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पर, और इसमें कम से कम 4-5 सीटियां लगाएं। मटर को उबालते टाइम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे। इसे बनाने के लिए हमें सामान चाहिए: 2 बड़े साइज़ का प्याज, 3 बड़े साइज़ का टमाटर, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 6-7 लहसुन की कलियां और 2-3 हरी मिर्च और मुट्ठी भर के हरा धनिया। अब हम अदरक लहसुन और प्याज का एक महीन पेस्ट तैयार करेंगे। गैस पर अब हम एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालें। कढ़ाई में तेल डालने के बाद तेल को हमें अच्छे से गर्म करना है, और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए फिर हम उसमें 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हींग डाल के थोड़ा भूनेंगे। फिर इसके बाद हम तैयार पेस्ट अदरक प्याज और लहसुन का इसमें कढ़ाई में डाल देंगे। उसको फ्राई करेंगे पेस्ट को अच्छे से। थोड़ा पेस्ट फ्राई होने के बाद हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया पाउडर और नमक हम थोड़ा ध्यान से डालेंगे क्योंकि हमने मटर उबालते टाइम भी नमक डाला था, और 2 चम्मच कश्मीरी मिर्च डालेंगे। इससे सब्ज़ी तीखी नहीं होती मगर इसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो इन मसालों में थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले अच्छे से भुन सके। मसाले अच्छे से भुनने के बाद हम इसमें टमाटर प्यूरी डालेंगे और फिर इसको मिक्स करके अच्छे से ढक कर रख देंगे ताकि टमाटर भी अच्छे से पक जाए। अब हमारी मटर भी बॉईल हो गई है। अब मटर बॉईल होने के बाद इसमें छिलके थोड़े मटर के छिलके थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। हमने मटर के सारे छिलके निकाल लिए हैं तकरीबन। अब हम मटर को मसाला में मिक्स कर देंगे। अब हमारा मसाला भी क्योंकि एकदम तैयार हो चुका है, अब हम मटर और मसाले को मिक्स कर देंगे। मटर को अच्छे से मिक्स कीजिए और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको बॉईल करने के लिए ढककर रख दीजिए। 5 मिनट तक बॉईल करने के बाद हम इसे एक बार चलाएंगे दोबारा से सब्ज़ी को, और इसमें हरी मिर्च डालेंगे ताकि हरी मिर्च थोड़ा पक जाए, और फिर हम अच्छे से मिलाकर फिर इसे एक बार और ढककर उबलने के लिए। अब हमारी सब्ज़ी एकदम पककर तैयार हो गई है। अब इसमें हम लास्ट में गरम मसाला मिक्स करेंगे और हरा धनिया डालेंगे। गरम मसाला और हरा धनिया डालने के बाद हम सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हमारी मुंबई सेव मिसल भाजी तैयार है और हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। अब हम ये पाव तवे पर बटर के साथ सेक लेंगे। मुंबई की हॉट सेव मिसल पाव भाजी तैयार है। अब हम भाजी को एक बाउल में सर्व करते हैं
और ऊपर से शेव डालेंगे। ये शेव आपको मार्केट में रेडीमेड तैयार मिल जाते हैं। अब ये शेव हमें भाजी में ऊपर से डालना है और हमारी मुंबई की शेव मिसल पाव भाजी एकदम तैयार है। भाजी को धनिए के साथ गार्निश करें और प्याज और नींबू के साथ भाजी शेव भाजी को सर्व करें। और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालिएगा कि आपको ये मुंबई की शेव मिसल पाव भाजी कैसी थी। आप शेव मिसल पाव भाजी एंजॉय कीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।